हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार पॉज सीट को। उसमें तो आज हम देख रहे हैं यूनिकॉर्न का सीट हम कंफर्टेबल करने वाले हैं और उसके साथ ही होंडा शाइन का भी सीट हम मॉडिफाई करने वाले हैं। दोनों भी होंडा कंपनी की बाइक है, दोनों एक साथ क्यों तो दोनों कस्टमर एक दूसरे के फ्रेंड्स है, तो दोनों एकदम से आए और मतलब कॉल करके आए कि हमको दोनों को भी एक ही साथ करना है। और ये यूनिकॉर्न का सीट खोलने के बाद देखो ये किधर, तो सर ने मॉडिफिकेशन किया था, देखो क्या किया है उसका। मतलब बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत मतलब उनका हिसाब है कि आप बहुत पैसे लेते हो, और ये देखो कम पैसे में देखो कैसा क्या किया है। ये सब निकाल दिया मैंने, तो ये गड्ढा क्यों किया बीच में मेरे को भी समझ में आया नहीं, जो किसके पास किया था मुझे भी पता नहीं, मैंने भी पूछा नहीं ज़्यादा। बीच में गड्ढा क्यों किया मेरे को भी समझ में आया नहीं, और उसमें फोम डाल दिया और उसको कट बिट कुछ भी नहीं किया, तो वो ठीक है वो सब हमने क्लियर। तो हमने शाइन गाड़ी का काम चालू किया, आप देख सकते हो SD वॉलिंग यूज़ करते हैं। वॉलिंग में भी बहुत सारे कंपनीज है, उसमें से बेस्ट हम लेते हैं, और आगे पीछे हमने शाइन को वॉलिंग लगा दी है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये कंफर्टेबल का काम बहुत आसान रहता है, सिर्फ फोम लगा दिया और हो गया। क्या रहता है कि जो लोगों को पेन होता है ना, उसको ही ये बात समझ में आ जाएगी कि कंफर्टेबल का काम कैसा होता है, और देखने के बाद भी उसको समझ में आ जाएगा कि क्या करना पड़ता है। सामने बैठे ना आदमी जो काम चालू है हमारे, तो वो देखने के बाद ही उनको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये काम हद से ज़्यादा अमाउंट का है पर ये बहुत कम पैसे में कर रहे हैं। क्योंकि जो कस्टमर सामने बैठता है उसको पता ही चलता है कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्या टेक्निक से कर रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा फ़ोन करके पूछते हैं इतना लेते क्या उतना लेते क्या, पर वो आदमी सामने बैठेगा कि उसके हाइट के हिसाब से उसके वेट के हिसाब से कैसे बनाना पड़ता है। और जिन कस्टमर को लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस आता है वो कभी भी पैसे का हिसाब देखता नहीं, क्योंकि उनको एक बार एक्सपीरियंस आता है कि ये ने इसने अपना पूरा काम बिगाड़ दिया था तो इसके पास जाने का नहीं, तो वो अपने पास फिर से आते हैं और डबल खर्चा करते हैं। और ये यूनिकॉर्न का देखो, हमने शाइन का तो क्लियर कर दिया, हमने हाइट बीट सब राइट बीट मार के आ गए सर, पर ये अभी हमने यूनिकॉर्न का लिया है। जो यूनिकॉर्न के जो कस्टमर थे उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, फिर भी उनके बोलने के हिसाब से कारण हमने ब्रॉड भी किया है। और शाइन का हम फर्स्ट टाइम जो कवर निकाल रहे थे तो उसके साथ 6 कवर थे, उसको 6 कवर बिठाए थे, कस्टमर के सामने ही मैंने निकाले और गिन के दिखाए कि कितने कवर है। और ये यूनिकॉर्न का जो कर रहा है उसको 1, 2, 3, 4 कवर थे, तो मैंने सब दिखाया कि कैसे लोग काम करते हैं। ये सब होने के बाद हमने फिर से यूनिकॉर्न को आप देख सकते हो बैक सपोर्ट लगा दिया है, और इसको भी हमने SD वॉलिंग यूज की है, तो प्रॉपर तरीके से हम ये वॉलिंग लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों सर का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए यही अपने ध्यान में था। आप देख सकते हो कैसे हम ये बैक सपोर्ट लगा रहे, यही आएगी वॉलिंग पीछे की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे और कंफर्ट भी करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, मैंने पहले सोचा कि आगे का देख ले कस्टमर बैठेंगे उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि उनका चल रहा था कि ब्रॉड कीजिए ब्रॉड कीजिए, तो हमने थोड़ा सा ब्रॉड करके पीछे भी वॉलिंग लगा दी। आप देख सकते हो बकेट टाइप बनाए, क्योंकि डीप ज़्यादा दिया है सर के हाइट के हिसाब से, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी तो उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। तो ये देखो आप ब्रॉड भी किया है पीछे का भी अभी सीट का, और बैक सपोर्ट भी हमने दिया है। ये सभी काम सामने ही करना पड़ता है कस्टमर के, कि उनको भी समझ में आ जाए कैसा ये करना पड़ेगा।
ये देखो बैक सपोर्ट के लिए कैसे हम ये एडजस्ट कर रहे हैं। अभी फिर से हम लगाएंगे, लगाने के बाद ये हम ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, तो वो हम काट रहे जगह पे। सब काम अच्छी तरीके से होता है, सामने गाड़ी हो तो और कस्टमर के भी सामने हो तो। इसको दोनों सीट को कम से कम मेरे को लगता है 6 घंटा काम लगा, 3 घंटा वो गाड़ी को, 3 घंटा ये गाड़ी को, तब तक सर बैठे रहे। अब हमने राइड के लिए बाइक दी है सर को, तो सर चेक कर रहे क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उनके पैर ज़मीन पे आ रहे नहीं प्रॉपर तरीके से। तो सर जी बोल रहे थे, मैं पहले बता दिया था कि सर जी बोले थे कि मुझे ब्रॉड चाहिए ब्रॉड चाहिए, तो हमने ब्रॉड करके दिया उनको, तो अभी उनको लगा कि पैर नहीं नीचा रहे, तो बाद में हमने फिर से थोड़ा सा घिस लिया उसको। तो ये शाइन का है, तो शाइन का भी हम फाइलिंग कर रहे हैं अभी। जो कन्फ्यूजन है कस्टमर के दिमाग में वो हम सॉल्व करते हैं, हमारा खुद का मटेरियल एक्स्ट्रा जाने दो, और उनके मन में जो क्यूरी आई है वो हम निकाल देते हैं। अभी देखो ये सर की उनके ही फ्रेंड है, तो उनकी हाइट देखो कैसे आ रहे, पैर एकदम ज़मीन पे आ रहे एकदम प्रॉपर तरीके से। तो ये हाइट, ये बाइक ये हाइट के अनुसार जो कस्टमर बैठे उनके हिसाब से, पर जो जिनकी गाड़ी है जो कस्टमर है उनकी हाइट थोड़ी कम है, तो वो उनके हिसाब से करना पड़ता है। ये हो गया यूनिकॉर्न का, ये हो गया शाइन का, दोनों भी काम बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। अभी इसके कवर का काम चालू करते हैं, कवर बहुत ही अच्छी तरीके से हम बनाने वाले हैं, फुल डिज़ाइन देने वाले हैं। तो ये देखो हमने डिज़ाइन में ही बनाए हैं, उसको लाल पाइपिंग हमने यूज़ की है, और दोनों तरफ आप देख सकते हो सॉल्यूशन लगाने का काम चालू है। ये है शाइन का सीट मॉडिफिकेशन का काम, और दूसरा है यूनिकॉर्न का सीट मॉडिफिकेशन का काम। ये जो ये मौसम में कवर श्रिंक होता है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, हॉट जो एयर है वो मार के क्लियर कर देते हैं। और हम ये स्टेपलर यूज़ कर रहे हैं फिनिशिंग के लिए। आप देख सकते हो कैसे डायमंड डिजाइन हमने दोनों भी बाइक को हमने मारी है, ये तो बहुत अच्छा लगा सर जी को। और दूसरे सीट का भी दिखा रहा हूँ मैं अभी, ये तो शाइन का है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम हुआ है। सर को भी अपना काम बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये था फाइनल फिनिशिंग यूनिकॉर्न और शाइन का, ऐसे ही आपको मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।